नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिंटू स्नैक्स एवर यूपी वाइस में। आज का कॉलम है साईं विहार से आया। चलिए देखते हैं कहाँ और कौन सा सांप है। इसी अलमारी के नीचे किसी सांप को देखा गया और अंकल इसे कोबरा सांप बता रहे हैं। चलिए देखते हैं ये कोबरा है कि और कोई सा सांप है। और दोस्तों, जैसा कि ये एक इंडियन स्पेक्ट्रियल कोबरा है, यानी कि भारतीय नाग, और ये काफ़ी ख़तरनाक सांप होता है। और बारिश पड़ रही है, बारिश में इनके बिलों में पानी चला जाता है, इस वजह से ये सांप घरों में आ जाया करते हैं या फिर चूहे वगैरह के पीछे आते हैं। और दोस्तों, इन वन्यजीव प्राणियों को मारे ना, आप बचाने की कोशिश कर रहे हो। अंकल का बहुत बहुत शुक्रिया जो इसकी जान लेने की जगह इन्होंने हमको कॉल करके बुलाया, इसकी जान बचाई। और दोस्तों, ये एक भारतीय नाग है, इंडियन स्पेक्ट्रियल कोबरा, साइंटिफिक नेम इसका नाजा नाजा है। और ये काफ़ी ख़तरनाक सांप होता है। इसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करके हमारी दिल की धड़कन को रोक देता है। इसकी स्नेक बाइट होने के बाद 40 से 45 मिनट का टाइम होता है। और अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, हॉस्पिटल का सहारा लें, क्योंकि हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट है। इसीलिए अपनी जान को कभी खतरे में ना डालें किसी झाड़ फूँक या के चक्कर में। इसीलिए दोस्तों, ये काफ़ी डेंजर सांप है। अब इसको बाहर निकाल लिया गया, अब इसको रेस्क्यू करके इसको इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज़ कर देंगे, जहाँ ये अपनी आय की ज़िंदगी काफ़ी आराम से काटेगा। और दोस्तों, हमारे चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि इन वन्यजीव प्राणियों को बचाने के कार्य में लोग हमारा साथ दे सकें और हम वहाँ ज़रूरत के टाइम पर पहुँच सकें, क्योंकि इन प्राणियों का पर्यावरण में होना काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों, बारिश का टाइम चल रहा है, इसी वजह से इनके बिलों में पानी जाने की वजह से घरों की तरफ आ जाते हैं और चूहे वगैरह खाने की वजह से भी आ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आप थोड़ा सतर्क रहें बारिश के टाइम में। और दोस्तों, मैं हर वीडियो में एक बात जरूर कहता हूं कि आप अगर आपको सांप की पहचाननी है तो आपके लिए हर सांप जहरीला है। इसलिए सांपों से दूरी बना के रखें और अपनी जान बचा के रखें। और दोस्तों, इन वन्यजीव प्राणियों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करें, मारे नहीं, क्योंकि इनका पर्यावरण में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और दोस्तों, कोबरा के जहर का कई सारी दवाइयों में यूज़ होता है, इसलिए इस स्पीसीज़ का ज़िंदा रहना काफ़ी ज़रूरी है। अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो इन दवाइयों का बनना बंद हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, इनकी जान बचाएं। और प्रकृति के नियमों के हिसाब से अगर कोई भी चीज़ धरती पे, तो उसका बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए दोस्तों, अगर सांप ख़त्म हो जाएंगे तो चूहे की आबादी बढ़ जाएगी और उन पर कंट्रोल लगाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, इन वन्यजीव प्राणियों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं, और इनका भी पर्यावरण में रहने का पूरा हक है, इसलिए इनको इस धरती पर रहने दें। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और दोस्तों, वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें हौसला मिलता है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। एक बार फिर से किसी वन्यजीव की जान बचा